फाल्गुनी मस्ती के सतरंगी त्योहार के रूप में होली की पहचान है। बीकानेर में ये मस्ती कई दिनों तक चलती है। हर साल लोग यहाँ परंपराओं को बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। ऐसी ही एक परंपरा है जो बीकानेर के पुष्करणा समाज की दो उपजातियों व्यास और हर्ष के संघर्ष से जुड़ी है। बीकानेर में चमड़े के बर्तन डोलची से होली के मौके पर दोनों जातियों के बीच खेल खेला जाता है। इस खेल में एक दूसरे की पीठ पर डोलची के पानी से वार किया जाता है। हर्ष और व्यास जातियों के बीच हुए संघर्ष को मिटाने के लिए डोलची होली का तरीका निकाला गया था, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। आयोजन में भागीदारी करने वाले हर्ष जाति के युवा बुलाकी दास कहते हैं कि जब से वे इस खेल की भावना को समझने लगे हैं, तभी से ये खेल खेल रहे हैं। इसमें एक डोलची नुमा यंत्र होता है, उसमें हम पानी भरते हैं, ग्लास नुमा यंत्र, और उसमें वह मार नहीं है बल्कि वह प्यार का प्रहार है, जिसमें एक व्यक्ति की पीठ पर जो है वो दूसरा व्यक्ति लगातार प्रहार करता है, और जैसे कबड्डी होती है वैसे टर्न बाय टर्न जो है रेड करते हैं, उस तरह से हमारा जो है नंबर आता रहता है, एक बाई एक जो है वो इसमें खेलते रहते हैं। ये इस तरह हार जीत का पैमाना ये है कि जो जितना प्यार बरसाता है वो जीत जाता है, और जो इस खेल में अपना प्यार नहीं दे पाता है वह हारता तो नहीं है लेकिन अगली बार जीतने के लिए तैयार होता है। बुलाकी दास कहते हैं कि व्यासों के साथ हर्षों के खूनी संघर्ष को मिटाने की याद में मनाई जाने वाली इस परंपरा को निभाने में बड़ा मजा आता है। इलाके के रामकुमार हर्ष भी कहते हैं कि इस अनोखी होली का इंतजार वे साल भर करते हैं। करीब 350 साल पूर्व हमारे पूर्वजों ने एक झगड़े को सामाजिक समरसता में तब्दील करने के लिए शुरू की थी, जो अंधवरत बिना किसी रुकावट के आज तक लगातार चलती आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में समानता, समरसता, सामाजिक सौहार्द, समन्वय, प्रेम, रस, रंग, उत्साह, उमंग और समन्वय बना रहे। इसी परंपरा को हर्ष और व्यास जाति पूरी निष्ठा से, निर्भीकता से, पूरी ईमानदारी से इसको निभा रहे हैं। वहीं व्यास जाति के गोविंद व्यास का कहना है कि 350 साल से दोनों उपजातियां सौहार्द के माहौल में डोलची वाली होली मना रहे हैं। ये खेल हर्ष और व्यास जाति के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण को कायम करने के लिए विगत 350 वर्षों से अनवरत चलता आ रहा है, जिसमें दोनों जाति के समुदाय आपस में मिलकर के एक दूसरे पर डोलची का प्रहार करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखते हैं। होली का माहौल बनाए रखने के लिए परंपरागत रूप से मनाया जाता है। वाकई संघर्ष को भुलाने के लिए खेल से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। बीकानेर की डोलची होली के मायने खास है, क्योंकि ये समाज को जीना सिखा रही है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट।